देश और दुनिया में बढ़ते हादसे, कई हादसे हमारी जिंदगी पर सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। सवालिया निशान उन लोगों के लिए बन जाते हैं जिनसे ये संबंधित होते हैं। चलिए देख लेते हैं इस खबर को। तेलंगाना में एक और भीषण सड़क हादसा, और इस हादसे में दो लोगों की जान भी चली गई है। करीमनगर के निकट रामकृष्णा कॉलोनी के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है और दो लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी ये आ रही है कि ये सारे दोस्त थे जो कि कहीं गए हुए थे और हैदराबाद वापस आ रहे थे। इसी दौरान एक दोस्त का जन्मदिन बर्थडे सेलिब्रेशन करने का निर्णय लिया, उन्होंने ड्रिंक किया और ये सभी लोग हैदराबाद की ओर वापस आ रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में हादसा हो गया। सभी नींद में थे, तीनों नशे में थे, इसके अलावा ड्राइवर भी नींद में था। ड्राइवर नींद में होने के चलते कहा जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। और करीमनगर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर तिम्मापुर मंडल के रामनगर कृष्णा कॉलोनी के लगभग ये गाड़ी जाकर लॉरी से टकरा गई। कार की रफ्तार बहुत अधिक तेज थी, इसके चलते इसमें बैठे चारों लोगों को गंभीर चोट आई, पर दो लोगों की मौत हो गई है और दो का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना लगभग 3:30 बजे की लगभग हुई, जब सभी गहरी नींद में थे। ड्राइवर को भी नींद की झपकी आई और काफ़ी स्पीड होने के चलते ये हादसा हुआ।